सब्सक्राइब कीजिए दवा फार्मेसी को और प्रेस कीजिए साथ दिए गए बेल आइकन को ताकि मेडिसिन की हर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं दवा फार्मेसी। वेलकम करते हैं हमारी दवा फार्मेसी में। आज की हमारी वीडियो एजोटिक टैबलेट के बारे में होगी। आज हम बात करेंगे इस टैबलेट के बेनिफिट और साइड इफ़ेक्ट के बारे में, और आप इस टैबलेट का किन किन सूरतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। डिटेल में जाने से पहले, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को फॉलो नहीं किया वो कर लें ताकि मर्सन के मतलब न्यू अपडेट आने वाली आप तक पहुंचती रहे। और अब बात करते हैं इस टैबलेट के बेनिफिट के बारे में। दोस्तों, ये टैबलेट एंटीबायोटिक टैबलेट है। ये इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये टैबलेट 500 mg, 250 mg और सीरप में मौजूद है। यह आपको किसी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी में आसानी मिल सकती है। दोस्तों, ये टैबलेट एंटीबायोटिक टैबलेट है। ये किसी भी इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि आपको बुखार हो, खांसी हो, नज़ा ज़ुकाम हो, तो आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये टैबलेट अंतरियों के इन्फेक्शन के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। वो लोग जिनके पेशावली नाली में इन्फेक्शन हो जाए वो भी इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो लोग जिनके गले में रेशा हो, खांसी आती हो, फेफड़ों में रेशा हो, वो भी इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी सूरत में इस टैबलेट का इस्तेमाल करना बहुत ही मुफीद है। और वो लोग जिनके एक्सीडेंट होने की वजह से ज़ख्म हो जाएँ, उस ज़ख्मों को ठीक करने के लिए भी ये टैबलेट इस्तेमाल की जाती है। और इसके अलावा वो लोग जिनकी सर्जरी वगैरह हो, उस सर्जरी के बाद इन्फेक्शन हो जाए, उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी ये टैबलेट इस्तेमाल की जाती है। ये टैबलेट नज़ा ज़ुकाम बुखार के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। ये टैबलेट मलेरिया के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। ये टैबलेट टाइफाइड बुखार के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। वो लोग जिनको टाइफाइड बुखार हो जाए वो भी इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनको टॉन्सिल्स वगैरह हो, गले में रेशा हो, फेफड़ों में रेशा हो, वो भी इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टैबलेट भी उनके लिए बहुत ही मुफीद है। और वो लोग जिनके स्किन पर दाने वगैरह बन जाएँ वो भी इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे इस टैबलेट के बेनिफिट। तो आप जानते हैं इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इस टैबलेट को यूज़ करने से आपको कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इस टैबलेट को यूज़ करने से आपके पेट में दर्द हो सकती है, उल्टी हो सकती है, मैदे में जलन हो सकती है। तो ऐसी सूरत में इस टैबलेट का इस्तेमाल बंद कर दें और अपने डॉक्टर के दायरे के मुताबिक इस्तेमाल करें। और वो लोग जो इस फार्मूले से एलर्जी रखते हैं वो इस टैबलेट का इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, ये थे इस टैबलेट का साइड इफेक्ट, जिनमें से कोई एक हो सकता है। और आप बात करते हैं इस टैबलेट के यूज़र के बारे में, यानी कि इस टैबलेट का आपने यूज़ कैसे करना है। इस टैबलेट का आपने दिन में एक मरतबा यूज़ करना है। अगर ज़्यादा मसला है तो सुबह शाम यूज़ कर सकते हैं। और वो लोग जो 20 साल से कम है वो 250 टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। और बच्चे जो 10 साल से कम है वो सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह शाम खाना खाने के बाद। अगर आपके बच्चों को नज़ा ज़ुकाम बुखार हो, खांसी आती हो, ज़ुकाम हो जाए तो वो इस सिरप का इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो ऐसी सूरत में इस सिरप का इस्तेमाल करना बहुत ही मुफीद है। तो दोस्तों, ये थे इस टैबलेट के यूज़र। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।